गाइस आज मैं इस बेकार से दिखने वाले एंड वर्ल्ड को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक एंशिएंट वर्ल्ड में, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। अच्छा और हाँ गाइस यार, इस वीडियो को बनाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है और काफी ज्यादा टाइम भी लगा है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो यार लाइक जरूर से कर देना। और हाँ गाइस यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रहेगी यार, सबसे मेन बात तो रहेगी, हो सकता है 5 लाख सब्सक्राइबर पर कुछ तुम्हें मस्त सा सरप्राइज मिल जाए। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, कर दिया हो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में ये सुंदर सी एकदम मस्त सी दिखने वाली एंशिएंट सिटी बनाई थी। एंशिएंट सिटी नहीं बल्कि इसमें मैंने 100 वार्डन को भी ट्रैप किया था। क्या मतलब तुमने वीडियो नहीं देखी है? अरे यार देख लो ये री वीडियो, फटाफट देख लो। और लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना आवाज बाहर से भी आ रही है, ऐसे कोई वार्डन बाहर आ गया हो। वैसे मैंने यहाँ पे फेंसिस वगैरह तो लगा रखे हैं, दो हाइट पे जंप तो इतना मान नहीं सकते कि दो ब्लॉक की हाइट पे उछल के वो बाहर आ जाए वार्डन, लेकिन आवाज तो यार मुझे ऐसी आ रही है कि बाहर कोई वार्डन आ गया है। कोई आसपास तो यार देख तो नहीं रहा है मुझे, लेकिन आवाज आ रही है पक्का यार, कोई एक हाथ तो निकल के आ गया है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक हाथ ब्लॉक रह गए होंगे साइड में, तो वहां से क्या पता आ गया वार्डन। मैं एक बार देख लूं, वरना यार अपने घर के पास आ गया तो यार ये तो अपनी वाट लगा देगा। तो अभी तो फिलहाल मैं यार कहां है यार, कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा। और यहां पे मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था कि ये वार्डन बाहर आ जाए, अगर वो किसी केव वगैरह में नीचे गिर गया तो बाहर आ जाए, लेकिन वो भाई साहब तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने एक बार पास जाके ट्राई भी करा तो वहां से मुझे कोई वार्डन दिख नहीं रहा था, लेकिन जब मैं यहां पर आया तो मुझे पता चल गया कि वार्डन भाई साहब यहीं मटक रहे हैं। और देख रहे हो कितने शरीफों की तरह हमारे घर की तरफ जा रहा है, अंदर से बहुत बेसरा मैं, तुम्हें पता ही है ये। लेकिन अब मुझे इसको कैसे भी करके ना ट्रैप करना पड़ेगा, या फिर इसको मैं मार दूं, या फिर ये बिना अगर आसपास इसके सोर नहीं होगा तो ये डिस्पॉन अपने आप हो जाएगा। ऐसे मुझे लग नहीं रहा यार ये डिस्पॉन होगा, क्योंकि यार सोर तो मस्त ही रहता है। ये देखो भाई कहां कैक्टस के पीछे छुप रहा है यार, ये कोई सुन लिया कैसे ना, किसी को मार रहा होगा, एनिमल वगैरह की आवाज आती रहती है ना यार। ये बस डिस्पॉन हो जाए, मेरे घर की तरफ आ गया ना तो ये पंगे कर देगा। लेकिन ये मैं रिस्क बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये वार्डन मुझे मतलब बीच में आके कभी भी मार दे, मान लो ये डिस्पॉन नहीं हुआ तो अपने लिए दिक्कत थी। तो मैंने सोचा यार इसको ट्रैप करना ही पड़ेगा या फिर इसको नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काम दिन में करेंगे, पहले जाके एक बार सो जाते हैं। किस काम के लिए मैंने सोचा था कि अपनी मस्त सी एंड वर्ल्ड को कन्वर्ट करेंगे एंशिएंट सिटी में, इन भाई साहब ने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। पता नहीं यार कहां से कैसे निकल गया यार, इसको मारना ही पड़ेगा वरना दिक्कत देता रहेगा यार ये। अभी तो फिलहाल भागने में फायदा है। और यहाँ पे मेरी बो की हेल्थ भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, एकदम मरने वाली हालत पे, ये तो मैं समझ गया था कि इससे लड़ना भी पॉसिबल नहीं, अपने काम पे फोकस करते हैं। तो मैं इन सब कोई चीजों को इग्नोर मारते हुए सीधा निकल गया अपने घर की तरफ। लेकिन मुझे क्या पता था वार्डन भाई साहब के कान बहुत ज्यादा ही तेज है, कुछ ज्यादा ही तेज है, अब नहीं बचने वाला ये इसको। ये अच्छी बात है मेरे नीचे आ गया ना, मैं यहाँ पे खड़े होके इसको, भाई 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 उत्तरी भाई क्या डैमेज दिया इसने, भाग भाई भाग, पहले भाग लो भाई। अब मैंने भाई पक्का कुछ गलत ही पंगे ले लिए यार, मेरे घर की तरफ आ गया ये, बहुत दिक्कत होगी यार, मुझे अब मानना ही पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लेकिन हमारे वार्डन भाई साहब थोड़े से बेवकूफ भी है, हमारी आवाज सुनते सुनते ये हमारे पीछे थोड़ा दूर भी आ गए हमारे घर से, वही तो मैं चाहता था, यही तो मेरी प्लानिंग थी। अच्छा और यहाँ पर मेरे सारे रॉकेट्स भी खत्म हो चुके थे और मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर था और पीछे हमारे वार्डन भाई साहब थे, यानी कि घर जाना अब थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स की थोड़ी सी हाइट पे जाके इलाइटर की हेल्प से सीधा अपने घर चला गया। अरे यार वार्डन से पंगे कौन लेगा। और घर आके मैंने सबसे पहले अपने कुछ रॉकेट्स बनाए और उसके बाद सीधा निकल गया एंशिएंट सिटी के लिए, क्योंकि वहां पर जाके मुझे काफी देर एएफके रहना पड़ेगा ताकि मुझे काफी सारे स्कल कैटलिस्ट मिल जाएं। और बेचारे मैंने वार्डन को उधर ही छोड़ दिया, वहां पर वो खुले सांड की तरह घूम रहा है, तो घूमने देते हैं थोड़ी देर। और पता नहीं क्यों मैं ऐसे बीच बीच में पंगे लेता रहता हूँ, मरते मरते बचाऊ, दो हार्ट बचे थे बस, कति नूब हो रखा हूँ मैं। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंशिएंट सिटी के लिए, जहां पर मैंने अपने वार्डन फार्म में काफी देर एएफके किया ताकि मुझे काफी सारे एकदम ढेर सारे स्कल कैटलिस्ट मिल जाएं। A few moments later. और फाइनली काफी देर एएफके रहने के बाद अब तो काफी सारे स्कल कैटलिस्ट मुझे मिल ही जाएंगे, लेकिन अभी भी एक वार्डन स्कल कैटलिस्ट देने के अभी प्रोसेस में ही था, तो मैंने सोचा वो क्या डिस्टर्ब करेगा, पर मुझे क्या पता था कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, जिसकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। और फाइनली काफी देर एएफके रहने के बाद मेरे पास काफी सारा एकदम ढेर सारा स्कल कैटलिस्ट आ चुका था, जिसको मैंने फटाफट से अपनी जेब में भर लिया। और अभी बस मैं यहाँ पे निकल ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने अभी तक इस एंशिएंट सिटी को तो लूटा ही नहीं है। और जहां तक मुझे सुनने में आया कि एंशिएंट सिटी में ढेर सारे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ललचा गया, तो मैंने सोचा कि ना इसको भी लूट लेते हैं, पर हमें तो नॉर्मल गोल्डन एप्पल मिला, क्या किस्मत है यार। और लूटने के चक्कर में मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर मचा दिया, जिसकी वजह से वार्डन भाई साहब जाग गए, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। और जब मैं घर वापस आया तो अभी
अभी भी हमारे वार्डन भाई साहब खुले सांडी की तरह हमारे वर्ल्ड में घूम रहे थे और अभी इनसे पंगे लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे इतने स्कल कैटलिस्ट काफी रहेंगे, इनको मैंने अपने सल्कर बॉक्स में रखी लिया है अपनी। यार बो पे यार क्या ही करूं, इस बो का कुछ तो हो नहीं सकता, ये रिपेयर तो होती नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको आज शहीद ही कर देते हैं। लेकिन हमारी बो ऐसे शहीद नहीं होने वाली, होगी तो वार्डन को मार के होगी या फिर उससे पहले भी हो सकती है। और उसके बाद चालू हुई सबसे खतरनाक लड़ाई, जो कि दो पहलवानों के बीच में, एक है वार्डन जो कि एकदम बेकार सा है और एक है हमारी बो, वो भी मरने की हालत में है बस। और अफसोस हमारी बो ज्यादा कुछ वार्डन का बिगाड़ नहीं पाई और मैं बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। छोड़ो यार इसको इग्नोर करते हैं, बाद में अपने आप ही गायब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कमेंट में ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं उससे डर रहा था, डरता थोड़ी ना यार। तो हमारी लेजेंडरी वो तो हमारा साथ छोड़ के जा चुकी थी और ये हमारी बेकार सी बो पे अभी कुछ इंचेंटमेंट लगी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बो पे इस पे थोड़ा बहुत इंचेंटमेंट लगा ही लूं। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े बहुत एमरल्ड्स तो पहले से पड़े हुए थे और थोड़े बहुत मैंने गाजरें बेच के अपने अंकल से काफी सारी एमरल्ड्स खरीद लिए। और मैं सोच रहा था कि मेरे पास शायद एक विलेजर है जो मुझे इन्फिनिटी या पावर 4 या 5 की बुक दे देगा, पर मैं थोड़ा गलत था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि किसी भी विलेजर ने कोई ढंग की बुक दी ही नहीं। और यहाँ पर मुझे एक विलेजर मिला था जो मुझे पंच 2 की बुक दे रहा था, तो इससे मैंने पंच 2 की बुक खरीद ली। खरीदनी एक चाहिए थी पर मैंने दो खरीद ली, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं इन सब विलेजर को थोड़ा मैक्स कर दूं तो क्या पता मुझे ये इन्फिनिटी या फिर पावर की कोई बुक दे दें, पर सारे के सारे विलेजर निकम्मे निकले, किसी ने भी पावर की बुक ही नहीं दी। तो विलेजर्स ने तो हमें सिर्फ लूट लिया था, कोई भी मुझे ढंग की बुक इन्होंने दी नहीं। और पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर इन दोनों बुक को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि कंबाइन होती ही नहीं है, कर लिया नुकसान। तो उसके बाद मैंने अपनी बो पे पंच 2 की बुक लगा ली और उसके बाद मुझे पता चला कि एक पंच 2 की बुक तो मेरे पास पहले से पड़ी है, और भी ज्यादा नुकसान हो गया अब। और अब बारी थी अपने एंड वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की, जिसके लिए मैं काफी सारे स्कल कैटलिस्ट तो ऑलरेडी जमा कर चुका हूँ, वो मैंने क्यों करे हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान और चाहिए था, जैसे मैं एक बीकन भी वहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ से एक बीकन भी ले लिया और अपने आयरन फार्म से ढेर सारे आयरन लेके उनके काफी सारे ब्लॉक्स बना के सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। लेकिन 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 इतने सारे वर्डन्स को देख के मेरे मन में एक खुराफाती आइडिया आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि एक वर्डन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे कुछ ही सेकंडों में चीतड़े उड़ा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर एक वार्डन की जगह तुम्हारे ऊपर 10 से 20 वार्डन एक साथ हमला कर दें? हाँ वाट लग जाएगी, ये तो पता है, तो ट्राई भी कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। और सेफ्टी के लिए मैं अपने दोनों हाथों में टोटम रखने वाला हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था कि इनमें से कोई वार्डन सुन के मेरे पास आ जाए, पर पता नहीं क्यों ये सारे वार्डन बैल को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, कोई उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और इन सभी में से एक वार्डन बिल्कुल मेरी तरह था, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के मेरे पास मेरे से पिटने के लिए आ गया। पर उसके एक हमले से ही पता चल गया कि 20 वार्डन मिलके तो इतना मारेंगे कि दो टोटम भी नहीं बचा पाएगा, तो यहाँ से सीधा निकल लो, निकलने में ही भलाई है। पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, और फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो आ चुका था, जहाँ से मैंने थोड़े बहुत कोबल स्टोन जमा कर लिए। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम माइनक्राफ्ट के एकदम धुरंधर हो, तुम्हें माइनक्राफ्ट की हर एक चीज पता है, तो ये चीज बताओ, ये जो आवाज मैंने पीछे सुना ये किस चीज की आवाज है? मेरे को तो लगता है ये ज़ॉम्बी जब दरवाजे तोड़ते ना तब आती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो वो ज़ॉम्बी तो ऐसे ही खड़ा था और आवाज काफी लेट तक भी आई, इसका मतलब वो क्रीपर भी दरवाजे तोड़ते हैं। यहाँ पर मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, तुम्हें समझ में आया तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पर क्या हो रहा था। हम तो अपना सीधा एंड वर्ल्ड में चलते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए, जहाँ पर मैंने सबसे पहले इस पोर्टल को ऊपर से कवर कर दिया, बाय चांस एंडरमैन मुझे मार मार के पीछे ना गिरा दें, तो इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और मैं इस एंड वर्ल्ड को एंशिएंट वर्ल्ड में कैसे कन्वर्ट करने वाला हूँ, उसके लिए हमारे लिए काम आएंगे स्कल कैटलिस्ट। जैसे कि तुम्हें पता है कि स्कल कैटलिस्ट पे अगर मैं किसी मॉब को मारता हूँ तो वो स्प्रेड हो जाता है, तो वही टेक्निक का यूज करने वाला हूँ मैं आज। और यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जगह रह जाती है तो उसके लिए मैं मैन्युअली एंशिएंट सिटी से थोड़े बहुत ब्लॉक्स वगैरह ले आऊंगा, तो यहाँ पे रख देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो तो कर लेंगे, फिलहाल मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बीकन लगा देता हूँ और बीकन में से ले लेते हैं हेस्ट और फटाफट से अब छेद करना चालू करते हैं। मतलब मैं इसमें स्कल कैटलिस्ट लगाऊंगा ना, तो उसके लिए मुझे थोड़े बहुत छेद वगैरह करने पड़ेंगे, तो करते हैं फटाफट से। चलो मैंने यहाँ पे होल वगैरह तो कर दिया है, मतलब जहाँ पे मुझे स्कल कैटलिस्ट लगाने हैं ना, वो मैंने छेद तो यहाँ पे कर दिया, बस मैंने ये वाला आइलैंड छोड़ दिया, यहाँ पर मैं कुछ और करने वाला हूँ, वो सीक्रेट है। अभी फिलहाल तो ये काम हो चुका, फटाफट से इनमें
हाँ ऐसे मार नहीं खानी है बस। वो हेस्ट और स्ट्रेंथ हम दो एक साथ ले सकते हैं बीकर में से? ये यार नई नई चीजें पता चल रही है माइनक्राफ्ट में मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या करता रहता हूँ। चलो चलो फटाफट से स्कल कैटरिस लगा देते हैं हर जगह। चलो फाइनली मैंने यहाँ पे सारे स्कल कैटलिस्ट तो लगा दिए हैं। अरे यार एक जगह रह गई, फटाफट से मैं इस जगह पे भी लगा। स्टार्ट करो। ये क्या हुआ भाई? छोड़ो यार किसी ने कुछ नहीं देखा, छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। क्या मतलब मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होते हैं। और अब मुझे बस कुछ नहीं करना, ये एंडरमैन को बस मारते जाना है। मतलब स्कल कैटलिस्ट मैंने हर जगह ऑलमोस्ट लगाए दिए हैं, जहां जहां मैं इसको मारूंगा उसके ऊपर बस वो इफेक्ट दे देगा। हाँ कुछ इस तरह से देखो स्प्रेड हो जाएगा, और जहां जहां मान लो थोड़ी छोटी मोटी जगह रह जाएगी तो वहां मैं मैनुअली लगा दूंगा, एंशिएंट सिटी से ले आएंगे। बाकी तो ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, तो फटाफट से इसको भी पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं अपने गोल्ड फार्म में आया हुआ था अपने टूल्स को रिपेयर करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा वहाँ पे सारा काम हो चुका है, लेकिन एक चीज की कमी है वहाँ पे। वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ ना वेब्ड फॉरेस्ट का ब्लू वाली बायोम जो होती है ना उसके ट्रीज लगा दूं, तो ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ कि उससे थोड़ा मस्त लगेगा। तो फिलहाल यहाँ से सीधा घर चलते हैं, क्योंकि मुझे यार दूसरा पोर्टल बनाना पड़ेगा, ये तो सारे रूफ पे आ जाते हैं। वो सब चीजें तो होती रहेंगी यार, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है, अपना टोटम ले लेते हैं। मेरे पास यार सिर्फ एक ही बचेगा, अब रेड भी करानी पड़ेगी यार, टोटम खत्म हो गए हैं, इतना हगूंगा तो खत्म ही होंगे ना। यहाँ बना लेता हूँ पोर्टल, ये थोड़ी सही सी जगह है। चलो अपने यहाँ पे पोर्टल ही बन गया, और एकदम ये सही जगह पे भी निकला। चलो फाइनली यहाँ से मुझे अब ब्लू वाली बायोम ढूंढनी है फटाफट से, और वहां से मुझे काफी सारे वो फंगस होते हैं ना, वेब्ड फंगस बोलते हैं शायद उनको, वो सारे जमा करने हैं ताकि मैं उनको बोन मिल से ग्रो कर सकूं। चलो फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लू वाली बायोम भी मिल गया। यहाँ से मुझे दो चीजें जमा करनी है, एक ये वेब्ड फंगस और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना ये भी जमा करने पड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर ये ट्री ग्रो होते हैं, तो फटाफट से इनको भी जमा कर लेते हैं। एक स्टैक जितना जमा कर लूंगा ना बहुत है, एक या दो स्टैक जितना कर लेंगे, देखते हैं जितना हो जाए। फटाफट से कलेक्ट करके सीधे चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में वापस, और उसके बाद मैं दोबारा से निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और फाइनली मैं एंड वर्ल्ड में तो आ चुका हूं, अब मैं तुम्हें दिखा कितना मस्त लग रहा है। देखो भाई क्या ही लग रहा है, पूरा का पूरा देख सकते हो मैंने इसमें कवर कर दिया। ये एंशिएंट सिटी में जो ब्लॉक मिलते हैं इनका मैं नाम हमेशा भूल जाता हूं, पर जो भी आप देख सकते हो भाई क्या ही जबरदस्त लग रहा है। अब ये थोड़ा ना खाली खाली से लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह बना दूँ ना, इन्हीं ब्लॉक से बनाऊंगा मैं सोच रहा हूँ, थोड़े मस्त सी चीज बनाएंगे। कमेंट्स में जरूर बताना मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, कोई स्ट्रक्चर बनाना, जैसे मैं प्लेजर आउटपोस्ट बना लूँ या फिर वुडलैंड मेंशन बना लूँ, कुछ इस टाइप का तगड़ी सी चीज बनानी है तो बताना कमेंट्स में क्या बनाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे ना बीकन पे भी वो लगा दिए हैं, वो मैंने मैनुअली लगाया है, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हल्की हल्की ये सिल्क से जमा हो जाती है, तो मैंने ये लगा दिए हैं। और बस अभी एक लास्ट काम रह गया, मैं फटाफट से यहाँ पे वेब्ड फॉरेस्ट वाले ये भी लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे घर से अपने बोन मिल भी लेके आ गया हूं, तो फटाफट से इनको भी ग्रो कर देते हैं। ग्रो करने में इनको यार टाइम नहीं लगेगा, बस एक ब्लॉक लगाना है और बोन मिल मार के फटाफट से ग्रो कर देते हैं इनको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या ही इसकी लुक आ रही है, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है यार। अभी इसमें यार खाली खाली से लगेगा, बीच में से किनारे पे इसके मतलब बाउंड्री पे मैंने वे ट्रीज तो लगा दिए हैं, बस मैं बीच में बनाने वाला हूँ एक मस्त सा स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।